अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हमने कैश ऑन डिलीवरी की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा ली थी और इसके साथ ही हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया था। अब हमें अपना जो प्रोजेक्ट है वो हीरोकु पे डिप्लॉय करना था, होस्ट करना था। तो ये मेरा ओरिजिनल प्रोजेक्ट है जो कि मैंने हीरोकु पे होस्ट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास हीरोकु ऐप का डोमेन मौजूद है। तो मेरी ये वाली जो वेबसाइट है ये लाइव है और अब हमें ये जो ट्यूटोरियल का प्रोजेक्ट है इसको होस्ट करना है हीरोकु पे। हमने अपनी एप्लीकेशन में स्ट्राइप इंटीग्रेट किया था और स्ट्राइप इंटीग्रेट करने के लिए हमने नोड JS एज अ बैकएंड लैंग्वेज यूज़ की थी। तो डिप्लॉइंग अ React प्लस नोड ऐप ऑन हीरोकु इज डिफरेंट देन डिप्लॉइंग अ स्टैटिक React ऐप। वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर के मेरी जो गिटहब की रिपोजिटरी थी उसमें ब्रांचेस थी, जैसे कि लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, लेसन 5 एंड सो ऑन टिल लेसन 11। तो मेक श्योर करें कि आपके पास सिर्फ एक ब्रांच हो मेन, क्योंकि जो हीरोकु है वो अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च सिर्फ जो मेन या फिर मास्टर की ब्रांच होती है वहां से कोड पुश करता है अपने सर्वर पे। आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट दिस, लेकिन ये बेहतर है कि आपके पास सिर्फ एक ही ब्रांच हो। तो मैंने जो अपना जो कोड था एक नए रेपो में, एक ही ब्रांच है मेरे पास मेन और इसी ब्रांच में मेरे पास तमाम मेरा कोड है। आई ट्राइड डिप्लॉइंग फ्रॉम लेसन 11 लेकिन इट डिडंट वर्क। मे बी कोई सोल्यूशन हो कि आप किसी स्पेसिफिक ब्रांच से भी हीरोकु पे अपना कोड पुश कर सकें, हीरोकु पे अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकें, लेकिन आई डोंट नो अबाउट इट येट। तो फॉर नाउ हम अपनी जो मेन ब्रांच है वहाँ से अपने कोड को पुश कर देते हैं हीरोकु पर और अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर देते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो हीरोकु पर अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए आपने जाना है हीरोकु के डैशबोर्ड पर। ऑफकोर्स आपको यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, देन आपको लॉग इन करना पड़ेगा, देन आपको ये UI नज़र आएगी। अगर आप पहली दफ़ा साइन अप और लॉग इन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये प्रोजेक्ट्स नज़र नहीं आएंगे, बल्कि आपको क्रिएट न्यू ऐप का ऑप्शन नज़र आएगा। तो आप उस ऑप्शन पर क्लिक करके एक एप्लीकेशन बना लें। मैं इस न्यू के बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन शो होगा क्रिएट न्यू ऐप, तो इस पर क्लिक करके मैं अपनी एक एप्लीकेशन बना लूँगा। ये नेम अवेलेबल है, चूज अ रीजन, इसको यूनाइटेड स्टेट्स ही रहने दें। क्रिएट ऐप के बटन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर होस्ट करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं आई गेस, तो मैं इन दो ऑप्शंस के साथ फैमिलियर हूँ, एक हीरोकु गिट और एक गिटहब। अपनी इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे हीरोकु गिट, जो कि यूज़ करता है हीरोकु CLI। तो आपको क्या करना है, इस URL पर जाना है devcenter.heroku.com/article/heroku CLI। ये जो लिंक है ये मैं अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अब आपने जाना है डाउनलोड एंड इंस्टॉल। यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर लें CLI को। अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं तो ये कमांड टाइप करें, और अगर आप विंडोज़ चलाते हैं और आपका कंप्यूटर 64-bit है तो 64-bit इंस्टॉलर डाउनलोड करें, और अगर आपका कंप्यूटर 32-bit है तो 32-bit इंस्टॉलर डाउनलोड करें। मैंने CLI ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। अब यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें करना है हीरोकु लॉगिन। अब हमारे पास ऑप्शन है प्रेस एनी की टू ओपन अप द ब्राउजर टू लॉग इन और क्यू टू एग्जिट, तो कोई भी की प्रेस करके लॉग इन हो, यह हमें ब्राउजर की तरफ ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देगा। मैं लॉग इन हो गया हूं। यू कैन क्लोज दिस पेज एंड रिटर्न टू योर CLI, इट शुड नाउ बी लॉग्ड इन। लॉग्ड इन एज अनवर हमसा 919@gmail.com। अब अपनी जो एप्लीकेशन है वो हमें हीरोकु पर डिप्लॉय करनी है, तो इसके लिए हमें अपने कोड में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो पहला चेंज ये है कि हमारे cart.js में यहाँ पर हम अपने फ्रंट एंड से अपने बैक एंड को एक रिस्पांस भेज रहे हैं, और रिस्पांस में क्या भेज रहे हैं, टोकन भेज रहे हैं और कार्ट भेज रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक लोकल URL है, तो ये लोकल URL हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे क्या देंगे, हम अपना जो भी प्रोजेक्ट का नाम था वो।
और आपने यहाँ पे डॉट हीरोकु ऐप डॉट कॉम भी लगाना है। यहाँ पे अगर आपके पास HTTPS का प्रोटोकॉल नहीं है तो वो ऐड कर दें। तो अब ये जो URL है ये कुछ इस तरह हो गई कि ecommerce app with react hooks डॉट हीरोकु ऐप डॉट कॉम। मोस्ट लाइकली आपकी जो URL होगी वो भी यही होगी। अब दूसरा चेंज आपने ये करना है कि पैकेज डॉट जेसन में यहाँ पे क्या है हमारे पास स्क्रिप्ट्स स्टार्ट, यानी जब भी हम npm स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जब हम प्रोडक्शन में होंगे हमारा जो कोड होगा वो हीरोकु के सर्वर पर होगा, तो हमें अपनी जो स्टैटिक रिएक्ट होती है उसको स्टार्ट नहीं करना बल्कि नोड js को स्टार्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या कमांड लिखेंगे, नोड सर्वर। अब ये जो दो फाइल्स हैं ये मैं क्लोज कर सकता हूँ। अब हमें क्या करना है, हमें अपने सर्वर डॉट js में कुछ चेंजेस करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इम्पोर्ट करेंगे पाथ। पाथ नोड js का डिफॉल्ट पैकेज है, const path इक्वल टू require path। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम पोर्ट भी डिफाइन कर देते हैं, const port इक्वल टू प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जब हम लोकली अपना प्रोजेक्ट चला रहे होंगे तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो पोर्ट 8080 पर चलेगी, लेकिन जब हमारी एप्लीकेशन प्रोडक्शन में होगी हीरोकु के सर्वर पर होस्टेड होगी तो हीरोकु ऑटोमेटिकली कोई ना कोई पोर्ट डिफाइन करेगा, तो जो भी वो पोर्ट डिफाइन करेगा वो इस लाइन में सेव होगी। तो यहाँ पे हमने और का स्टेटमेंट भी लगाया हुआ है, तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो या तो पोर्ट 8080 पर चलेगी या उस पोर्ट पर चलेगी जो हीरोकु असाइन करेगा। अब हमें क्या करना है कि जब हमारी एप्लीकेशन लाइव होगी तो हमें अपने सर्वर को बताना है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो प्रोडक्शन में है, तो जितनी भी हमारे पास स्टैटिक फाइल्स हैं वो क्लाइंट को डिस्प्ले करा दो। तो सबसे पहले तो हमें स्टैटिक फाइल्स को जनरेट करने के लिए अपना एक बिल्ड का फोल्डर रेडी करना है, और जितनी भी हमारी स्टैटिक फाइल्स होती हैं वो बिल्ड के फोल्डर में होती हैं। तो बिल्ड फोल्डर रेडी करने के लिए npm run build टाइप करें। ये कमांड हमारे पास एक बिल्ड का फोल्डर क्रिएट कर देगी। अब हमें अपने सर्वर को बताना है, और सर्वर को बताने के लिए जो कोड है वो ये है, if process.env env means environment.nodeEnvironment ।। production, यानी जब हमारा environment production हो, यानी हमारी application live हो, तो app.use express.static, और यहाँ पे हम build pass कर देंगे। ये जो build folder है ये अभी बना, ये बल्कि folder हमारा बन गया है, लेकिन ये complete नहीं हुआ है अभी, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा थोड़ी देर में। इसके बाद ऐप डॉट गेट, यहाँ पे हम स्टैटिक लगाएंगे। यहाँ पे हम अपनी जितनी भी स्टैटिक फाइल्स हैं वो डिस्प्ले कराएंगे, तो इसके लिए करंट डायरेक्टरी ये करंट डायरेक्टरी क्या है हमारे पास, हमारी ये जो रूट डायरेक्टरी है ये। इसके बाद इस डायरेक्टरी में हमारे पास क्या है, बिल्ड का फोल्डर है, ये रहा हमारे पास बिल्ड का फोल्डर। और अभी जब हमारा बिल्ड का ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे हमें एक index.html की फाइल नजर आएगी, वो index.html की फाइल हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। अभी आपको जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे index.html की फाइल नजर आ जाएगी, ये हमें index.html की फाइल नजर आ गई है। तो यही वाली जो फाइल है ये हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। ये जो हमने पोर्ट डिफाइन की थी इसको हम यहाँ पे ऐसे प्रोवाइड कर देते हैं, और यहाँ पे 8080 को हटा देते हैं, 8080 को हटा देते हैं, और यहाँ पे पोर्ट का वेरिएबल पास करा देते हैं। तो ये सर्वर डॉट जेएस में हमें ये चेंजेस करने थे। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कमांड्स दी गई हैं। सबसे पहले हम करते हैं गेट इनिट,
इसके बाद ये वाली कमांड है, देन गेट कमिट। हमें यहाँ पे मास्टर नहीं देना क्योंकि मेरी जो ब्रांच है वो मेन है, तो गेट पुश हीरोकू मेन। अब ये प्रोसेस कुछ टाइम लेगा और यही प्रोसेस हमें एक यूआरएल जनरेट करके दे देगा। तो हमारी एप्लीकेशन होस्ट हो चुकी है हीरोकू पे, ये हमारे पास जो लिंक है ये जनरेट हो गया है। तो अगर आपसे कोई गलती हो जाती है विद इन दी सोर्स फोल्डर, जैसे कोई कंपोनेंट में आपको कुछ ऐड करना है या फिर डिलीट करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, npm run build अगेन करेंगे और उसके बाद जो डिप्लॉयमेंट की कमांड्स थी वो आपको दोबारा टाइप करनी पड़ेंगी। तो इस लिंक पे चलते हैं अब, और ये जो हमारी एप्लीकेशन है ये लाइव हो चुकी है। तो हम लॉगिन हो गए और अब हम अपने कुछ प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं यूजिंग स्ट्राइप। तो ये जो तीन प्रोडक्ट्स हैं ये पहले अपने फायर स्टोर में चल के देखते हैं। हमारा ये जो कार्ट का कलेक्शन है ये क्रिएट हो गया है। अब हम ये जो कार्ट है इसको परचेस करते हैं यूजिंग स्ट्राइप। और हमारा ये जो कार्ट है ये हमने परचेस कर लिया है। हम अपने होम राउट की तरफ रिडायरेक्ट हुए और हमें एक सक्सेस मैसेज मिला और हमारा जो कार्ट है वो एम्प्टी हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो कार्ट है वो एम्प्टी हो गया। मैं स्ट्राइप के डैशबोर्ड पर जाता हूँ और अपने इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैंने ये वाला जो कार्ट है ये परचेस किया था mario75@gmail.com 28 सितंबर 32,199। तो ये मैंने कार्ट परचेस कर लिया है और इस ट्यूटोरियल में हमने अपनी ये जो एप्लीकेशन है ये हीरोकू पे होस्ट कर दी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को हीरोकू पे होस्ट कर सकेंगे। तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।